প্লাজমা থেরাপির কোনো বৈধতা নেই জানালো কেন্দ্র সরকার। প্লাজমা থেরাপিতে বৈধতা দেয়নি আইসিএমআর, একমাত্র রিসার্চ ও ট্রায়াল ছাড়া ব্যবহার নিষিদ্ধ জানালো কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। I would like to mention about the plasma therapy for COVID-19 which has been talked about of late. Is par kafi charcha ho rahi hai. In this regard, let me clarify that ICMR has already stated very clearly that currently there are no approved therapies for COVID-19 including plasma therapy. Main fir se aap logo ki drishti mein lana chahunga ki COVID-19 ke liye aaj desh mein kya duniya bhar mein bhi koi approved therapy nahi hai. And plasma therapy is one of the therapy which is being experimented with. However, so far there is no evidence to support it as a treatment. Yeh abhi bhi experimental stage par hai. Iska koi evidence nahi hai ki isko treatment ke roop mein istemal kiya ja sakta hai. US FDA ne bhi ise ek experimental therapy ke roop mein hi dekha hai. ICMR ne ek national study ko launch kiya hai taki woh is therapy ki efficacy ke bare mein study kar sake. Aur agar hum dekhen ki jo hamare case active medical supervision mein hai तो उनकी संख्या 21,632 है। अब तक पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6,868 हो चुकी है। इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस टाइम में समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है, मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में एक जिले की बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि कल बताया था हमने आपको, और एक जिला ड्रॉप हुआ है, यानी कि दो जिले ऐड हुए हैं और एक जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में, और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह लखीसराय बिहार में। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हमें कॉन्स्टेंट विजिल मेंटेन रखने की आवश्यकता है। किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में जब हम कार्य करें तो वहां पर किसी भी तरह की रिलैक्सेशन ना हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेरी माइल्ड या प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए होम आइसोलेशन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन पेशेंट्स के पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए उनके रेजिडेंस पर रिक्वायर्ड फैसिलिटी है, उनके पास इस होम आइसोलेशन के लिए ऑप्शन होगा। ये प्रेजेंट गाइडलाइंस जो हमने इश्यू की है, यह गाइडलाइन 7 अप्रैल को जो हमने इससे पहले सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस को मैनेज करने से संबंधित गाइडलाइन थी उनके एडिशन में है। होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस हैं, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जैसे कि पेशेंट को सेल्फ आइसोलेशन पर एक अंडरटेकिंग को भरना होगा, मेडिकल ऑफिसर द्वारा व्यक्ति को क्लिनिकली या तो वेरी माइल्ड केस या प्री सिम्टोमेटिक केस डायग्नोस करना होगा, उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए उसको निरंतर उपयोग करना होगा, उनके पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए और उनके फैमिली कॉन्टेक्ट को प्रॉपर क्वारंटाइन करने के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए, 24/7 बेसिस पर देखभाल करने के लिए उनके पास एक केयर गिवर अवेलेबल होना चाहिए और केयर गिवर और हॉस्पिटल के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए।